खूबसूरत दिखने के लिए ब्यूटीफुल स्किन का होना है बहुत ही ज्यादा जरूरी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स और रेमेडीज के बारे में जो बनाएगी हमारी स्किन को नेचुरली ब्यूटीफुल और हेल्दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी नेचुरल बी प्योर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्किन ट्रीटमेंट रूटीन के बारे में, कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज के बारे में जो बढ़ाएगी हमारी स्किन की खूबसूरती को, वो भी नेचुरली। आज इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ पायल सिन्हा जी की कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ स्किन ट्रीटमेंट्स जो है स्पेशली ड्राई स्किन के लिए। तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली उन लोगों के लिए स्पेशली जिनकी स्किन है ड्राई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना वीडियो। बट फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। एंड फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो उसको सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे, और ये सब बिल्कुल फ्री है। त्वचा के रूखेपन यानी स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए सिंपली आपको एक ऑरेंज लेना है यानी कि संतरा, और उसका जूस निकाल लेना है। देन उसी संतरे के रस में हमें मिलाना है फ्रेश तुलसी के पत्तों को पीस करके, और उसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। देन हमें लेना है एक नाशपाती, फिर उसको अच्छे से वॉश करके आप इसको ग्राइंड करके इसका एक पल्प तैयार कर लीजिए। फिर उसी नाशपाती के पल्प में हमें ऐड करना है एक चम्मच हनी यानी शहद। देन लास्ट में उसमें ऐड करना है हमें कच्चा दूध, और दूध की क्वांटिटी हमें अकॉर्डिंगली रखना है दोस्तों, जिससे नाशपाती के गूदे और हनी का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए और उसको इजीली हम अपने फेस पे अप्लाई कर सकें। इस पैक को लगाने से पहले सबसे पहले दोस्तों आप अपने फेस को अच्छे से क्लींस कर लीजिए ताकि सारी डस्ट इम्प्यूरिटीज निकल जाए। देन इसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, फिर आप 25-30 मिनट्स तक इस पैक को अपने फेस पर रखिए। देन लास्ट में आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को आपको आधी कटोरी दही में घोल लेना है। देन लास्ट में इसमें हमें आधा चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेना है। फिर इस पेस्ट को फेस पैक की तरह अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये पैक आपके फेस को मॉइस्चर करने के साथ साथ आपके जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा, साथ ही साथ ये आपकी ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। त्वचा के रूखेपन यानी स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए आपको एक नियम बना लेना है दोस्तों। आपको लेना है 4 चम्मच के करीब नारियल का तेल, उसमें ऐड करना है आपको चुटकी भर कपूर, एंड देन लास्ट में आप इसमें आधा चम्मच के करीब नींबू का रस मिला करके आप इसको एक बॉटल में भर के रख लीजिए। देन आप जब भी नहाते हो या फिर फेस वॉश करते हो तो आप इसको अपने फेस पर, अपनी होल बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो। इसके एप्लीकेशन से फ्रेंड्स आपके जो फेस है, आपकी जो बॉडी, उसकी टोटल स्किन को जो है मॉइस्चर तो मिलेगा ही, नेचुरल शाइन भी मिलेगी, साथ ही साथ आपकी स्किन जो है उसकी जो ड्राइनेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वाटरमेलन फेस मास्क ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब भी इसका सीजन हो तो फ्रेंड्स आप इसको सिंपली पीसेस में कट करके इस तरीके से इसका पल्प कलेक्ट कर लीजिए, फिर इसको आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। इसका एप्लीकेशन जो है वो ड्राई स्किन वालों के स्किन को नरिशमेंट देता है, और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा ग्लो भी लाएगा आपके फेस पर। देन नेक्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच कर्ड यानी दही। देन उसमें फ्रेश टमाटो का पल्प यानी कि टमाटर का गूदा, इसको भी इक्वल क्वांटिटी में मिला करके मिक्स करके अपने फेस पर आधे घंटे के लिए लगा करके छोड़ दीजिए। तो अप्लाई कीजिए इन सारी रेमेडीज को, और अपनी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं उसको जरूर से सॉल्व करूंगी। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ब्यूटीफुल रहिए, हेल्दी रहिए। टाटा, बाय बाय।